मीट माई न्यू सन यम उन्नीकृष्णन। अरे वाह टेम्पो अन्ना, आपकी ये कार तो बहुत ही अमेजिंग है। राइट कीको, इस कार को हम एक वर्ड में कह सकते हैं फैंटास्टिक। फैंटास्टिक से भी ज्यादा फैंटास्टिक, वेरी वेरी फैंटास्टिक। इसी बात पे कुछ चॉको स्टिक्स खा लेता हूँ। इस टेम्पो अन्ना, तुमने तो अपनी कारीगरी से इस पुरानी कार में जान डाल दी। भाई वाह। अयो, इसको बार बार कार मत बोलो जी। दिस इज एम उन्नीकृष्णन। पहले ये हमारे ग्रेट ग्रैंड फादर के पास था, और जब ये हमको मिला तो हमने इसको मॉडिफाई करके पहले से ज्यादा सुंदर और तेज बना दिया है जी। पता है यम उन्नीकृष्णन के वजह से माय ग्रेट ग्रैंडफादर वाज अ रेसिंग चैंपियन। टेम्पो अन्ना, क्या आप भी इस रेसिंग में पार्टिसिपेट करेंगे? अयो जरूर करेगा जी, और अपना ग्रेट ग्रैंडफादर की तरह रेसिंग चैंपियन बनेगा जी। लेकिन उससे पहले हम तुम सबको इसमें एक टेस्ट राइड देगा जी। अयो अयो अयो, स्टॉप स्टॉप, हमारा यम उन्नीकृष्णन को चोट लग जाएगा जी। स्टॉप स्टॉप। गेम ऑन। अब कीको के साथ गेम ऑन करें और एक्साइटिंग पावर मोड गेन करें। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया सेम, तो डाउनलोड करें गेम गूगल प्ले पर उपलब्ध। तुमको हरा दिया और टेम्पो अन्ना को डरा दिया। टोनी, तुम्हें टेम्पो अन्ना के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। करेक्ट। अपने से बड़ों के साथ ऐसा मजाक करने को दो वर्ड्स में कहते हैं बैड हैबिट। बैड से भी ज्यादा बैड हैबिट, वेरी वेरी बैड हैबिट। कुछ खा लेता हूँ। अयो अयो टोनी, अगर टाइम पे साइकिल का ब्रेक नहीं लगता तो जी। रिलैक्स टेम्पो अन्ना, ऐसे कैसे नहीं लगता? ये मेरी ब्रांड न्यू साइकिल है, कोई सालों पुरानी कबाड़ा कार नहीं, जो कि दिखने में हाई फाई पर चलने में ठाए ठाए। अयो क्या मतलब है जी तुम्हारा? तुमको मालूम है यम उन्नीकृष्णन से मेरा ग्रेट ग्रैंड फादर ने कितना रेस जीता था? जीता होगा टेम्पो अन्ना, बहुत सालों पहले जीता होगा। लेकिन अब तो मैं अपनी साइकिल से ही आपकी कार को बड़ी आराम से हरा सकता हूँ। क्या बोलते हो जाए रेस? हाँ हो जाए जी। अयो हम अभी तुमको दिक्कत है जी कि मेरा यम उन्नीकृष्णन पहले भी चैंपियन था और आज भी चैंपियन है। जाने दीजिए ना टेम्पो अन्ना, आप क्यों टोनी की बात को इतना सीरियसली ले रहे हैं? सॉरी किको, पर आज ये रेस होके रहेगा। टोनी ने मेरा ग्रेट ग्रैंड फादर का कार का मजाक उड़ा के अच्छा नहीं किया जी। टेम्पो अन्ना इज राइट, कभी कभी हमें दूसरों को सबक सिखाने के लिए उन्हें हराना ही पड़ता है। चलो इस रेस में हम सब टेम्पो अन्ना का साथ देंगे। सिटी के बाहर वाली नदी के ऊपर वाले बने हुए ब्रिज पे सबसे पहले पहुंचेगा वो रेस जीत जाएगा। नाउ ऑन योर मार्क गेट सेट गो। अयो हमारा यम उन्नीकृष्णन स्टार्ट क्यों नहीं होता जी? टेम्पो अन्ना, जब भी कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो धुआं निकल रहा है, चेक करके आता हूँ। ये देखिए टेम्पो अन्ना, किसी ने आपकी कार के एग्जॉस्ट पाइप में ये डाल दिया था।
ईश, होना हो ये शरारत जरूर टोनी की ही होगी। यम्मा वन्य कृष्ण में छालू हो गया जी। नो, टेम्पो अन्ना की कार तो स्टार्ट हो गई। अब मुझे पूरी स्पीड से आगे बढ़ना होगा, वरना मैं रेस हार जाऊंगा। ये! थैंक यू किको, तुम्हारा वजह से अब मैं ये रेस आराम से जीत जाएगा। क्वीन के होते जिस टीम में भी किको है वो कभी नहीं जीत सकती। कार क्वीन के टैप का वार, कार्स मचाए हाहाकार। अपने इस टैप के थ्रू मैं जिस गाड़ी का भी फोटो क्लिक करूंगी वो मेरे कंट्रोल में आ जाएगी, जैसे कि ये टेम्पो अन्ना की कार, जिसे अब मैं अपने हिसाब से इस टैप के जरिए कंट्रोल कर सकती हूँ। कार क्वीन के टैप का वार, कार्स मचाए हाहाकार। अयो, ये यम उन्नी कृष्णन अचानक रिवर्स गियर में कैसा आ गया जी? अयो, टेम्पो अन्ना ब्रेक्स लगाइए। अयो, नहीं लग रहा किको, ये कार हमसे कंट्रोल ही नहीं होता जी। और कार नहीं, यम उन्नी कृष्णन बोलो जी। उन्नी कृष्ण रुक जाओ, तुम्हें टेम्पो अन्ना के ग्रेट ग्रैंडफादर की कसम। मम्मी, ये तो बस अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। कार क्वीन के टैप का वार, कार्स मचाए हाहाकार। टेम्पो अन्ना जल्दी कार के इंजन को बंद कीजिए। मुझे लगता है कि ये कार कोई और दूर से ऑपरेट कर रहा है। अयो, कार नहीं, एम उन्नी कृष्णन। किको, पहले मैं तुम्हें अपनी पार दिखाऊंगी, फिर वो करूंगी जो मैं यहाँ करने आई हूँ। कार क्वीन के टैप का वार, कार्स मचाए हाहाकार। R7 की डेंजर लाइट ब्लिंक कर रही है, यानी खतरा है। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। सुपर स्पीडो जल्दी, हमारे दोस्तों को बचाने के लिए फॉर्मूला नंबर 444 लगाओ। ओके डूड, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 444। ये हे हे, मैं जीत गया। R7 की डेंजर लाइट फिर से ब्लिंक कर रही है, वो भी सन सिटी के डायरेक्शन में। कम ऑन बड़ी, आ,
अरे ये बस मुड़ क्यों नहीं रही? ओए ब्रेक्स भी नहीं लग रहे। अब देखते हैं कीको और सुपर स्पीडो इस एक्सीडेंट को कैसे बचाते हैं। कार क्वीन के टैप का वार, कार्स मचाए हाहाकार। सुपर स्पीडो, वो स्कूल बस और ट्रक आपस में कभी भी टकरा सकते हैं। जल्दी फॉर्मूला नंबर 22। ओके कीको, इनिशिएटिंग फॉर्मूला 22। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कर कौन रहा है। मैं, यानी द कार क्वीन के टैप का वार, कार्स मचाए हाहाकार। मोरी मोरी मदर, वो कार चल रही है अपने आप यहाँ पर। सुनिए मिस कार क्वीन, आप सारी गाड़ियों को कंट्रोल करके जो तबाही मचा रही हैं वो रॉन्ग है। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। अच्छा बच्चे, अभी से राइट और रॉन्ग शुरू कर दिया। अरे अभी तो तबाही शुरू हुई है। कार क्वीन आंटी जो कर रही है उसे एक वर्ड में कहते हैं अनबिलीवेबल। कीको, अचानक हो रहे इस हमले से मेरा सिस्टम हिल गया है। रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जल्दी से कोई फॉर्मूला लगा के मुझे इनकी टक्कर से बचाओ। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 7। आई एम फिट एंड फाइन कीको, मेरा सिस्टम ठीक हो गया है। कार क्वीन, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि तुम और सुपर स्पीडो हमेशा के लिए सन सिटी छोड़कर चले जाएं। ऐसी अजीब चाहत की वजह? मैं और कीको सन सिटी छोड़ के क्यों जाएं? क्योंकि तुम दोनों की वजह से मेरे अंकल फ्रीजो को भी सन सिटी छोड़नी पड़ी थी। तो तुम फ्रीजो की नीस हो। पर कार क्वीन, फ्रीजो ने रॉन्ग किया था, इसीलिए हमने उसे पकड़ के जेल में बंद कर दिया। ठीक है, तो मैं भी रॉन्ग काम कर रही हूँ। हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। और अगर तुम नहीं चाहते कि मैं और तबाही मचाऊं, तो तुम और सुपर स्पीडो अभी के अभी ये सन सिटी छोड़कर चले जाओ। और हम अगर ना जाए तो? तो उसका नतीजा पूरी सन सिटी को भुगतना पड़ेगा। कार क्वीन के टैप का वार, कार्स मचाए हाहाकार। सारी कार्स को एक साथ रोकना मुश्किल है, कोई और तरकीब लगानी पड़ेगी। मैं भी वही सोच रहा हूँ। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 66। ग्रेट आइडिया कीको, फॉर्मूला 66 एक्टिवेट करके सभी व्हीकल्स को मैग्नेटाइज कर देता हूँ ताकि वो सब यहाँ वहाँ भागने की बजाय आपस में जुड़ जाए। कार क्वीन ने मेरे सिस्टम को अपने टैब से हैक कर लिया है। अब मेरे सारे कंट्रोल्स उसके हाथ में हैं। सुपर स्पीडो, तुम्हें बचाने के लिए मुझे तुम्हें R7 में रोल बैक करना पड़ेगा। नहीं कीको, जब तक कंट्रोल्स कार क्वीन के पास है मैं R7 में नहीं जा सकता। इतनी धमा चौकड़ी मचाते मचाते मुझे तो भूख लग गई। एक काम करती हूँ, सुपर स्पीडो को ऑटो डिस्ट्रक्शन मोड में डाल के कुछ खा कर आती हूँ। वापस आने के बाद कीको की बारी। तुम
मेरे साथ क्यों आ रहे हो कीको? तुम्हें चोट लग सकती है। दोस्त को प्रॉब्लम में अकेले छोड़ना रॉन्ग है सुपर स्पीडो। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे अंदर जो रीसेट बटन है, अगर हम उसे प्रेस करें तो तुम्हारा सिस्टम स्टॉप होके फिर से ऑन हो जाएगा। और हो सकता है जब तुम्हारा सिस्टम ऑन हो तो वो कार क्वीन के कंट्रोल से बाहर निकल चुका हो। आइडिया तो अच्छा है कीको, एक बार ट्राई करके देखते हैं। जल्दी करो कीको, इस बार मैं जमीन से टकराया तो मेरा ऑटो रिपेयर होना भी मुश्किल हो जाएगा। डोंट वरी सुपर स्पीडो, मेरे रहते तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। थैंक यू कीको, तुम्हारा आइडिया काम कर गया। अब मेरा कंट्रोल कार क्वीन के कंट्रोल के बाहर है। मैंने कंट्रोल प्रोटेक्शन मोड भी ऑन कर लिया है ताकि कोई दोबारा मेरे कंट्रोल्स ना ले सके। वो तो ठीक है सुपर स्पीडो, पर मुझे लगता है कि अब सनसिटी के भलाई के लिए हम दोनों को यहाँ से जाना ही होगा, क्योंकि कार क्वीन भले ही तुम्हें कंट्रोल ना कर पाए मगर बाकी की गाड़ियाँ तो है ही ना। और देखो उसने पहले ही सनसिटी में कितनी तबाही मचा रखी है। सुपर स्पीडो, तुम तो मेरे कंट्रोल से निकल गए, मगर यहाँ तो अब भी ढेर सारी गाड़ियाँ हैं। तो बोलो क्या फैसला किया है तुम दोनों ने? हम सनसिटी छोड़ने के लिए तैयार हैं। चलो कीको। आज तक इन दोनों ने कई लोगों को सनसिटी से बाहर निकाला, लेकिन आज मैं इन्हें सनसिटी से धक्के मार मार के बाहर निकालूंगी। कार क्वीन के टैप का वार, कार्स मचाए हाहाकार। ये हिल्स भी सनसिटी में ही आते हैं, और तुम्हें पूरी की पूरी सनसिटी से बाहर निकलना है। और अगर हम ना निकले तो? अभी भी अकड़ बाकी है, अभी दिखाती हूँ। सुपर स्पीडो फॉर्मूला 65। ओके डूड। ट्रक तुम्हारी आखिरी हथियार थी, अब क्या करेगी कार क्वीन? मैं और सुपर स्पीडो सनसिटी कभी नहीं छोड़ सकते। हम तो आपको फंसा के यहाँ इसलिए लाए थे क्योंकि गाड़ियाँ ही आपका हथियार है, और यहाँ इस पहाड़ में दूर दूर तक एक भी गाड़ी नहीं है। तुम लोगों ने मुझे कच्चा खिलाड़ी समझा है क्या? गाड़ियाँ यहाँ पहाड़ी पे ना सही, मगर पहाड़ी के उस पार जो रोड है वहाँ जरूर होती है। और मैं भी टाइम देख के ही यहाँ तक तुम दोनों के पीछे आई थी, क्योंकि हर रोज दोपहर 3 बजे नई गाड़ियों को फैक्ट्री से लेकर शोरूम तक 4 ट्रेलर्स पहुँचाते हैं। वो रहे मेरे हथियार, कार क्वीन के टैप का बार, कार्स बचाए हाहाकार। अब पता चलेगा तुम्हें कार क्वीन के टैब की असली पार। वॉच मी। बड़ी, हमें उस मॉन्स्टर कार को रास्ते में ही डिस्ट्रॉय करना होगा। फॉर्मूला नंबर 11। श्योर कीको, फॉर्मूला 11 एक्टिवेट करके उस मॉन्स्टर कार के चीथड़े उड़ा दूंगा। कीको, इस मॉन्स्टर कार का वेट तो काफी है, मेरा पूरा सिस्टम हिला दिया। पहले जल्दी से निकलो यहाँ से, फिर कुछ सोचते हैं। आज तुम दोनों को मैं सनसिटी से तो क्या, इस दुनिया से बाहर निकाल के रहूंगी।
कार क्वीन के टैप का वार, कार्स मचाए हाहाकार। ये तो डेड एंड है कीको, अब क्या करें? अब एक ही रास्ता बचा है, हमें उस कार क्वीन के टैप को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा जिससे वो सारी गाड़ियों को कंट्रोल करती है। अब देखना कैसे 2 मिनट में मैं सुपर स्पीडो को 10 का डब्बा बना दूंगी। मेरी हालत खराब हो रही है कीको, अब तो मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा हूँ। 2-4 टक्कर और लगी तो मेरा कबाड़ा बन जाएगा। अब लगता है मेरी ओ किक का टाइम आ गया है। सुपर स्पीडो फॉर्मूला नंबर 25। बैटरी को घड़ी के कांटे में फंसा के तोड़ने का वक्त आ गया। मतलब सर पहले में कह रहे हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट।